असलम ब्यूटिफुल पीपल वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल शॉपिंग आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ छोटे छोटे बच्चों का हॉल सो यू आर गोइंग टू लव दिस हॉल बिकॉज अभी तक जो भी मैंने हॉल लाए थे वो ड्रेसेस के थे और मैंने होम एसेंशियल हॉल्स भी लाए हैं मैंने डेकोरेटिव लाइट्स की भी हॉल लाए हैं बट आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बच्चों के लिए हॉल सारे घरों में बच्चे होते हैं या तो अपने बच्चे होते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स के बच्चे होते हैं और आप चाहते हो कि बर्थडेज आए तो आपको कुछ समझ में आए कि आप क्या गिफ्ट करो या फिर आपके बच्चों को आप क्या दो ऐसे रेगुलर कुछ मंगा दो स्पेशल किसी भी दिन की उन्हें बहुत स्पेशल फील हो तो आप ये सारे आइटम्स जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ आप डेफ़िनेटली मंगा सकते हो अपने बच्चों के लिए या अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हो क्योंकि ये सारे आइटम्स जो हैं बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ ये सारी मेरी बेटी के आइटम्स हैं तो वो इन्हें बहुत पसंद करती है इस वजह से मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी और आपको बाइंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी सो so, उससे पहले मैं आप लोगों को हमेशा जो कहती हूँ वो ये कह दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करिए इसे ग्रो करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट भी छोड़ा करिए अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे बताइए और अगर मेरे चैनल पे आपको जो आइटम्स में दिखाती हूँ अगर वो आइटम्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसका रिव्यूज़ भी दिया करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अगर आपको किसी पर्टिकुलर हॉल की ज़रूरत है अगर आपको कुछ चाहिए कि मैं कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी पे हॉल करूँ तो प्लीज़ आप मुझे उसमें रिक्वेस्ट डालिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट वन बाय वन डेफिनेटली पूरा करूंगी। सो so, अभी हॉल वीडियो की तरफ चलते तो मैं एक रीज़न बता दूं कि मैंने आज ये टॉयज़ के हॉल को क्यों लिया इन अ पर्टिकुलर चूज़ किया देने के लिए बिकॉज सिक्स ऑफ अप्रैल मेरी बेटी का बर्थडे था एक साल की हो चुकी वो तो अभी उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ये ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स को शौक होता है अपने बच्चों के फर्स्ट बर्थडे को थोड़ा अच्छे से करें कुछ यू नो सेलिब्रेट करें सो so, मैंने भी वैसा ही सोचा था और मैंने यू नो वी हैव ऑल डिसाइडेड मैं और इसके पापा ने सारा कुछ डिसाइड कर लिया था और हमने वेन्यू uh, बुक कर लिया था हमने लोगों को डिजिटल कार्ड्स भेज दिए थे इनविटेशन के टेंथ ऑफ अप्रैल के जस्ट बिकॉज उसका बर्थडे वीक डेज पर पड़ रहा था तो हमने वीकेंड का एक दिन चूज़ किया था बट ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही कुछ दिनों पहले इतना केसेस बढ़ने लगा मैं बेंगलोर में रहती हूँ और यहाँ पर इतना केसेज बढ़ने लगा तो एल्डरली पीपल हैं वो डर रहे हैं गैदरिंग में आने के लिए तो एक तरह से यू नो आई वाज वेरी हार्ड ब्रोकन कि मैंने इतना कुछ प्लान किया और ऐसा हो नहीं पाया तो अचानक से लोगों ने जब मना करने लगे कि अभी आ नहीं पाएंगे तो, तो हमें फिर उतना लगा कि चलो पोस्टपोन कर देते हैं मैंने सिक्स जो उसका बर्थडे का दिन था उसके लिए मैंने कुछ पहले से प्लान ही नहीं बनाया क्योंकि मेरे दिमाग में सैटरडे के लिए चल रहा था उस दिन सेलिब्रेट करेंगे मुझे थोड़ा सा उस दिन बुरा लग रहा था लेकिन हाँ अभी मैंने uh, जल्दी जल्दी से ऑर्डर किया उसके लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मंगवाए हैं वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी तो छोटी सी पार्टी घर पे कर देंगे जस्ट बिकॉज़ आई डोंट फील दैट वे कि हाँ मेरा मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था और मैंने कुछ भी नहीं किया क्या कर सकते हैं जब कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है चलो कोई नहीं ऐसा सोच लिया अभी पोस्टपोन कर दिया है बाद में कुछ पार्टी कर लेंगे मुझे बहुत शेयर करने का दिल था जस्ट बिकॉज मेरी बेटी का ऐसा हो गया ना तो मैं उसका फर्स्ट uh, दिखाती हूँ आपको जो उसके उसके टॉयज में है वो है ये दिस इज स्टार लिंक और ये ऐसे बॉक्स में मिला मैंने इसे अमेजोन uh, से ऑर्डर किया था और दिस इज दिज आर स्टार लिंग ओवर या कि दीज आर ट्वेल्व कलरफुल स्टार शेप्स विद इजी इंटरलॉकिंग लिंक्स और देखो पीछे में ऐसे पिक्चर्स दिए हुए कि आप इस तरह से इसको शेप्स दे सकते हो तो ये क्या होता है ना बहुत इंटरेक्टिव होता है एंड इट डेवलप्स मोटर स्किल्स एंड स्टिमुलेट सेंसेस इनकेज इंकरेजेस क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी दिस इज़ ऑल वाट्स रिटन ओवर हियर बट मेरी अभी बेटी थोड़ी छोटी है इस चीज़ के लिए बट सिंस मैंने मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये देख के तो ये मुझे इस तरह इस तरह से मिला है इस तरह के स्टार्स हैं और यू कैन यू नो आप ऐसे प्रेस करके इसको आराम से ऐसे यू नो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट एड अप एंड आप कहीं पे भी अपने हिसाब से यू नो यू कैन गिव शेप टू दिस तो इस तरह से इसको बना सकते हैं सो so, मेरी मेरी को फिलहाल दिस इज़ वेरी टाइट फॉर हर टू डू दिस बट स्टिल वो इन पीसेस के साथ बहुत खेल रही है और बहुत इन्जॉय कर रही है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा बहुत मज़े की बात लगी कि अभी वो इन पीसेज़ के साथ खेलेगी और जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी वैन शील अंडरस्टैंड कि इसको क्या करना है देन शील स्टार्ट प्लेइंग विद डैट सो शील स्टार्ट इंटरलॉकिंग दीज सो उसको ये दोनों चीज़ में इसको अभी अभी से मैंने इसे मंगा लिया एक्चुअली मसला ये हो गया था कि मैंने पहले जो पहले एक मंगाया था तो उसमें मैंशन uh, तो है ट्वेल्व पीसेस बट वो टेन पीसेस निकल के आए थे तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया और फिर मैंने ये मंगाया इस वजह से मैं एग्जैक्ट डेट पे ये वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि मुझे ये आप लोगों को दिखाना था क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड दिस इज़ फ्राम फंड इट्स यर it's mentioned here that this is from fun school so this is uh, this is one uh, toy that I, that I wanted to show building blocks you can say and then uh, she has got this this is a guitar okay this is from the brand baby hug acha अगर आप लोग इससे शॉपिंग करते हो ना फर्स्ट क्राई से तो आप बेबी हक ब्रांड के बारे में डेफ़िनेटली जानते हो बेबी हक बहुत फेमस है आई थिंक फ़र्स्ट क्राई का वो इन हाउस ब्रांड है तो बेबी हक के डायपर्स भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो जब से मैंने बेबी हक के डायपर्स देखे तो मैं अपने बेटी के लिए बस वही डायपर्स यूज़ करती हूँ उसके बाद मैंने सारे डायपर्स ट्राई किए हुए हैं पैम्पर्स हो हगीज़ हो मैमी पोको पैम्प हो एनी यू कैन नेम बट मुझे जब बेबी हक मिला तो इट इज़ वेरी रिजनेबल वेरी चीप एंड वेरी गुड क्वालिटी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है वो तो so, बेबी अक्से कहाँ से कहाँ चले गए तो दिस इज़ हेयर दिस इज़ द गिटार द शी हैज़ कॉड एंड इसमें इसमें एक्चुअली पीछे बैटरी लगाने का सिस्टम है तो इसमें स्क्रू खोल के बैटरी लगानी होती है सेल लगा के आप लोग को दिखाने के लिए इसमें सेल लगा हुआ नहीं था तो इस वजह से मैंने डब्बे से निकाला था और उसे सेल लगाया इसमें यह कैसे प्ले होता है ओके सो ओके सो एक्चुअली मैं अभी खुद भी समझ रही हूं इसे यहाँ पे चेंज ओवर है इफ यू प्रेस दिस देन द एंटायर म्यूजिक इन ऑल द बटन्स जैसे आप अभी जो प्ले कर रहे थे Kuch aur play ho tha. So when you want to change the entire tune of all the buttons, then you have to press this, and then it will change. See it. So now it is showing the uh, voices of all the animals. Okay, so dog is barking. Okay, so it's a, it's a bird. Okay, again I'll change over. If you can also manage the volume from here, it's over here. इससे डाउन होता है इससे अप होता है अगर आपको वॉल्यूम बहुत लाउड लग रही है तो आप इससे आराम से कंट्रोल कर सकते हो वॉल्यूम फट सो दिस इज हाउ इट सो देर आर मेनी चेंज ओवर्स यू कैन डू अराउंड फोर टू फाइव सेट्स ऑफ ट्यून्स दर यू कैन चेंज ओवर एंड देन द एंटायर थिंग विल सेटअप अकॉर्डिंग टू दैट सो ऐसा है ये वाला सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज कोई कोई इतने इरीटेटिंग होते हैं हाई वॉल्यूम्स पे सो दैट्स अ बेस्ट पार्ट तो इसे मैं ऑफ करके अभी रख देती हूँ ओके द नेक्स्ट आइटम ये वाला दिस बोलिंग सेट मोस्ट ऑफ यू मस्ट है और एमजॉन दिस इज़ फ्राम डिजनी डिज़नी बोलिंग सेट इट इज़ एंड इसमें सारे ये बहुत कलरफुल है आप देख सकते हो इट इज़ इन रेड एंड येलो कलर एंड द बॉल इज़ गिवेन ओवर यर द क्वालिटी वाइज द प्लास्टिक दैट इज़ यूज इज़ वेरी स्टर्डी एंड द क्वालिटी ऑफ़ द प्लास्टिक इज़ ऑल्सो वेरी इट्स नॉन टॉक्सिक एंड इट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन और ये वाला आपको ऐसे बैग में मिला मुझे और इसके अंदर ये जो ये जो बॉटल्स हैं ये काफ़ी देखो ऐसा नहीं है कि प्रेस हो जा रही ईजीली सो दिस इज हाउ इट इज़ एंड इस पर सारे वो बने हुए हैं अलग अलग uh, डोनाल्ड डोनाल्डक है देन हेयर इज मिनी मिनी माउसेस थे गोफ़ी एंड ये वाला ये वाला मेरी मिराक को भी बहुत पसंद आ रहा है सो यू कैन डेफिनेटली बाई दिस फॉर योर किड्स और ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है सीधा जैसे रियल बॉल्स में बने होते हैं ना जो आप जाते हो बॉलिंग करने के लिए वैसा ही बना हुआ है इसमें भी लास्ट But not the least is this dog. This is a fantastic puppy. The name मैंने ये order nahi kiya hai This is a very surprised gift for my daughter from one of a very sweet friend of mine. So usne mujhe ye bheja तो मुझे इसकी quality बहुत अच्छी लगी और इसका buying uh, link it came from Amazon. So definitely I can गिव यू द लिंक टू बाय फ्रॉम देर ये बहुत ज़्यादा फेमस है सबके बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ये खरीद ही लेते हैं बिकॉज इसका बिल्ट भी इतना अच्छा है दिस इज़ वेरी हैवी दिस इज़ वेरी नाइस बिकॉज इट हैज़ मशीन इन साइड तो इस वजह से और इसमें भी बैटरी लगती है तो हमने इसे खोल के लगाया हुआ है इसमें दो बैटरी लगती है तो ये हमने लगाया यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप है एंड ये देखो कितना क्यूट सा पपी है द फर इज़ सो नाइस एंड द लुक इज़ ऑल्सो सो नाइस सो क्यूट Look at it, it is so cute. When she goes out and she she sees all dogs on the road, then she's very happy to see them. She loves it and she enjoys with it a lot. But uh, from the moment it has started walking, we battery isme, aur jab chala ke dikhaya, Then she's a, oh god, this is she she's got a bit scared. So I'll definitely show you how this works. Okay, so मैं आपको दिखाऊंगी इसे आप देख लेना ऐसे मैं इसे वीडियो डाल दूंगी इसका कि ये कैसा चलता है सो यू कैन ऑल्सो बाई दिस वन सो so, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो भी मैंने दिखाया आपको सारा टेस्टेड है एंड सारा क्वालिटी अश्योर्ड इट्स वेरी नाइस एंड आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप डेफिनेटली जाके वहाँ से खरीद सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन भी दे दिया करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और uh, मैं फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग अल्लाह हाफिज़